लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद से पार्टी पर जैसे ग्रहण सा लग गया हो। कर्नाटक में हो रही सियासी उठापटक को पूरा देश देख रहा है, तो वहीं राहुल गांधी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस से नेताओं, मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के इस्तीफे की झड़ी लग गई, जिसके बाद अब एक और नई जानकारी सामने आ रही है कि अब राहुल गांधी को लोकसभा में अगली पंक्ति में जगह नहीं मिलेगी। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने कांग्रेस के अनुरोध को ठुकरा दिया है। पहली पंक्ति में कांग्रेस को सिर्फ दो जगह दी जाएगी। सदन में पहली पंक्ति में एक जगह सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को, दूसरी यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष न रहने का भी हवाला दिया है। बता दें कि संख्या बल से तय होता है कि किस पार्टी को पहली पंक्ति में कितनी सीटें मिलेंगी। उधर कांग्रेस ने कहा है कि राहुल गांधी के लिए संसद में पहली पंक्ति की सीट नहीं मांगी गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लिए संसद में पहली पंक्ति की सीट मांगे जाने से जुड़ी खबरों को खारिज करते हुए कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि पार्टी या राहुल गांधी की ओर से ऐसी कोई मांग नहीं की गई है।